दोस्तों, क्या आपने मोबाइल के साथ कभी ईयरिंग का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया है तो आज के बाद जरूर करके देखिएगा। इसके अलावा मिक्सी की देखभाल पाउडर से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज अपने चैनल पर। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, व्हाइट कपड़ों में किसी भी तरह का दाग लगने को लेकर है। स्पेशली व्हाइट कपड़े में जब हमारे कॉस्मेटिक्स के दाग लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर लग चुका है लिपस्टिक का दाग, साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर मैंने छोटा सा सिंदूर का भी दाग लगाकर दिखाया है। अब इनको हम क्लीन कैसे करें? व्हाइट कपड़ों में जब इस तरह का दाग लग जाता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इनको क्लीन करना। ऐसे टाइम पर हमारे आपके सबके घरों में आजकल शेविंग फोम जरूर होता है। थोड़ा सा हमें लेना है शेविंग फोम, और शेविंग फोम को लेकर इस तरीके से आप दाग पर अच्छे से रब करिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, 15 से 20 सेकंड करना है। इसको अच्छे से फैलाकर छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद आप कोई गीला कपड़ा लीजिए या फिर हाथों से ही शेविंग फोम को अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दीजिए, यानी कि जो आपकी आपका कपड़ा है, टी शर्ट है, वो फोम को अच्छी तरीके से सोख ले। इसके बाद से हमें इस कपड़े को नॉर्मल जैसे हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, किसी भी डिटर्जेंट साबुन या फिर सर्फ से, वैसे मैं इसको आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो वाइट कपड़ा है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है। जो स्पेशली हमारे सिंदूर और लिपस्टिक के दाग थे वो बिल्कुल निकल चुके हैं। इस तरह से जब भी कभी वाइट कपड़े पर दाग लग जाए तो उसको क्लीन करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च कभी कभी बहुत तीखी घर में आ जाती है, और किसी किसी डिश में ऐसा होता है कि हरी मिर्च डालना ही डालना होता है, लेकिन इसके बीज जो होते हैं वो हमें नुकसान भी बहुत करते हैं, स्पेशली बच्चे के खाने में। तो हरी मिर्च का बीज जब पड़ता है तो बच्चे खाना भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हरी मिर्च के बीज निकालने के लिए आप हरी मिर्च को इस तरह से हाथों में रखिए, या फिर किचन प्लेटफॉर्म पर या फिर चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इसको आप रब करिए। जैसे हम इसको रब करते हैं, मिर्च एकदम ढीली से पड़ने लगती है। बस इसके बाद से इसके ऊपर का हिस्सा काट कर आप जब इसको हल्का हल्का सा ठोकना चालू करेंगे तो आप देखेंगे जो मिर्च के बीज हैं वो बहुत ही इजीली एकदम आसानी से निकल कर बाहर आ जाते हैं। ये जो मिर्च के बीज होते हैं दोस्तों, वो हमारे पेट में जाकर जलन भी पैदा करने का काम करते हैं। तो जब भी हरी मिर्च आप चॉप करें तो कोशिश करें कि बीजों को निकाल कर तभी हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। हरी मिर्च वैसे तो कभी कभी फ़ायदा भी बहुत करते हैं हमारे शरीर को, लेकिन जो इसके बीज होते हैं वो पेट में कॉन्स्टिपेशन या फिर बवासीर देने का भी काम करते हैं। तो हरी मिर्च के बीजों को जितना हो सके आप उतना अवॉइड करिए, और हरी मिर्च इस्तेमाल करना है तो बीजों को निकाल कर तभी इस्तेमाल करें। उसके बाद से जब हम मिर्च को काटते हैं तो मिर्च तीखी भी नहीं लगती, हाथों में जलन भी नहीं होती, साथ ही आप सब्जी में इसका इस्तेमाल भी ईजी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बर्तन को वॉश करने को लेकर। कभी कभी हमारे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जैसे बच्चों ने छाछ पिया, दूध पिया, उसमें बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स के दाग लगे रह गए हैं। ग्लासेस में नीचे कभी कभी क्या होता है, कुछ दूध, दही, इस टाइप की चीज़ें जमी होती हैं, और जब ग्लास थोड़ा सा गहरा होता है तो उसको स्क्रबर डालकर, चूना डालकर जब हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो ग्लास पूरी तरह साफ नहीं होता, क्योंकि कभी हमारे फिंगर्स पूरे नहीं जाते, कभी स्क्रबर अंदर तक नहीं जाता। तो इसके टाइम पर हम ऐसा क्या छोटा सा उपाय करें जिससे हमारे बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाए? इसके लिए आप कोई फोक ले लीजिए और फोक में अपने स्क्रबर को इस तरीके से फंसा दीजिए। अगर आप ग्रीन वाला स्क्रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप फोक को फंसा सकते हैं। उसके बाद से आप फोक से आसानी से इस स्क्रबर को जैसे ही घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्लासेस में जो दाग लगे हुए हैं नीचे तक जाकर वो सारे दाग बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी भी तरह के जूने का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्टील का जूना हो या फिर ग्रीन वाला स्क्रबर ही क्यों ना हो। सिर्फ एक फोक की मदद से हम अपने इस तरह से जो डीप वाले बर्तन होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई जग होता है, कोई लोटा होता है जो अंदर तक अगर साफ नहीं होता, क्योंकि हम लेडीज़ की जो चूड़ियाँ कड़े वगैरह होते हैं उस वजह से भी हाथ हम अंदर तक डालकर क्लीन नहीं कर पाते, तो ऐसे टाइम पर फोक की मदद से बहुत अच्छे से आप अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी गहरा बर्तन हो उनको इस तरीके से क्लीन करके जरूर देखिएगा। और बस स्क्रबर लगाने के बाद आप फिर जो है सारे बर्तनों को नॉर्मल पानी से वॉश करिए, आप देखेंगे कि बर्तन बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी मिक्सी को लेकर। मिक्सी का रख रखाव आप कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे आप सबसे जुड़ने में बहुत खुशी होती है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्सी को साफ करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ टेलकम पाउडर का। टेलकम पाउडर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो हिमालय का बच्चों का पाउडर आता है वो लिया है। अब हमारी मिक्सी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, कभी हम मसाला पीसते हैं, कभी मसाले की छींटे
कभी ये किचन में रखा होता है, इस पर ऑयल के छींटे या फिर मिक्सी की जो गंदगी होती है उसको हम पाउडर से बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। मिक्सी जब भी आपको बहुत ज़्यादा गंदी लगे तो चारों ओर इसके ऊपर अच्छे से पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए, और इसके बाद से किसी सूखे कपड़े से लेकर पाउडर को पहले आपको मिक्सी के चारों तरफ बढ़िया तरीके से रब कर देना है। ये पाउडर जो होता है वो ग्रीस निकालने का काम करता है। इसके बाद से हमें लेना है थोड़ा सा पानी, तो चाहे आप कपड़े को भिगा लीजिए चाहे आप मिक्सी पर ही पानी को स्प्रिंकल कर दीजिए, और उसके बाद से कपड़ा जैसे ही गीला होगा मिक्सी को बस एक बार और अच्छे से साफ कर दीजिए, जिससे जो पाउडर है वो मिक्सी पर से निकल जाए। ये पाउडर मिक्सी के ऊपर से जितना भी धूल गंदगी है, साथ ही ग्रीस वगैरह है, मसालों के दाग होते हैं, किसी भी तरह के हल्दी मसालों के दाग होते हैं, उनको बहुत अच्छे से निकालता है, आपकी पूरी मिक्सी को बहुत अच्छे से चमका के रखता है। तो इस तरीके से थोड़े से पाउडर की मदद से हम अपनी पूरी मिक्सी का रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरी मिक्सी को चारों तरफ से बढ़िया तरीके से अच्छे से वाइप आउट कर दिया है, बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। मिक्सी का जितना ग्रीसी था, जितना ऑयल था, वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मोबाइल को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल का सिम निकालना होता है। हमारे पास मोबाइल के साथ वैसे हमेशा एक स्पेशल पिन आती है जिससे हम अपने मोबाइल का सिम निकालते हैं। ये बहुत छोटा सा एक होल होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर हम उस पिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पिन गुम हो जाए या फिर आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और उस टाइम पर आपके पास वो पिन नहीं है, आप घर से बाहर हैं, हर समय तो पिन लेकर हम घूम नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम अगर फीमेल्स हैं तो हम अपने पास इयररिंग तो रखते ही हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो आप किसी शॉप पर जाकर एक इयररिंग तो परचेस कर ही सकते हैं। जैसे ही हम इयररिंग का पीछे वाला हिस्सा मोबाइल के अपने छोटे से पॉइंट पर डालते हैं, यानी कि मोबाइल में जहां पर हमें यहां से सिम निकालना होता है वो जगह बनी होती है, हर किसी को अपने मोबाइल में वो जगह मिल जाती है। उस जगह पर आपको जैसे आप उस पिन को डालते हैं वैसे ही आपको इयररिंग का पीछे वाला हिस्सा सेम तरीके से डालना है। बहुत इजी तरीका होता है दोस्तों। जैसे ही मैं आपको एक बार वापस से करके दिखाती हूँ कि जो छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है, इसमें जैसे इयररिंग डालकर हल्का सा हम दबाव देते हैं, हमारी सिम निकल कर बाहर आ जाती है। यानी कि अगर हमें कभी सिम चेंज करना है, सिम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम पर ये छोटी टिप हमारे बहुत काम आती है। फीमेल्स के काम की तो है ही है, घर में अगर मेल है उनके भी काम आती है। तो अगर आपके पास मोबाइल वाला पिन नहीं है तो इसी इयररिंग से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है हमारी बॉटल की क्लीनिंग को लेकर। अब जैसे कि सर्दियां शुरू होने लगी हैं तो हम क्या करेंगे, अपने बॉटल्स को क्लीन करके और ड्राई करके फ्रिज से अलग रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बॉटल हमारे चूंकि पानी भरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, पूरी गर्मी बीत गई है, तो बॉटल अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। बॉटल को अंदर तक क्लीन करने के लिए मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कोई सा भी लंबा नाइफ, बटर नाइफ, कोई फोक जो भी लंबी हो वो ले लीजिए। फॉइल पेपर का एक टुकड़ा ले लीजिए। फॉइल पेपर के इस टुकड़े को आप अपने नाइफ पर या फिर फोक स्पून वगैरह पर इस तरीके से अच्छे से टाइटली लगा दीजिए। उसके बाद से इसी फॉइल पेपर से आप अंदर तक जैसे ही इस नाइफ से डालेंगे तो अंदर की जितनी गंदगी है वो छूट कर निकलने लगती है। क्योंकि अंदर की सफाई अगर ना करके रखें दोस्तों तो ये साल भर फिर हमारे बॉटल में अंदर ये जमी रह जाएगी। इस तरह से किसी भी डीप बॉटल को आप इस फॉइल पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद से नॉर्मल पानी और डिटर्जेंट डालकर आप बॉटल को क्लीन कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।